इस टाइम हम श्री कालीधार मंदिर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप जब भी राजौरी की तरफ जाते हों या फिर शिवखोड़ी जो पावन धाम है भगवान शिव शंकर का, वहाँ जब माथा टेकने जाते हैं तो यहाँ पर श्री कालीधार मंदिर में ज़रूर रुकते हैं। तो हम भी पहले यहाँ पर श्री कालीधार मंदिर पे पहले माथा टेकेंगे और उसके बाद आगे आपको इस पूरे इलाके के बारे में बताएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर माथा टेक रहे हैं और यहाँ पर पंडित जी भी हैं, क्यों ना पहले तिलक ग्रहण तिलक लगवा लें और उसके बाद आगे चलते हैं। पंडित जी, पहले आप मुझे तिलक लगाइए। तो यहाँ पर माथा टेक के ही लोग जो है अपनी यात्रा आगे की तरफ जाते हैं, चाहे शिवखोड़ी जाना हो या फिर राजौरी की तरफ जाना हो या फिर पुंछ की तरफ जाना हो। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं कि ये जो पूरा बाज़ार आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस पूरे बाज़ार को अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्पेशली लोग आते हैं और यहाँ का पनीर काफ़ी फेमस है, यहाँ की बर्फ़ी काफ़ी फेमस है, यहाँ का जो खोया है वो काफ़ी फेमस है, चाय पीने के लिए ज़्यादातर यहाँ लोग रुकते हैं। अब यहाँ का पनीर क्यों फेमस है, उस बारे में भी हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ही ज़्यादा लोग क्यों रुकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर रुकते हैं तो यहाँ का पनीर काफ़ी लेके जाया जाता है और घरों में ज़रूर लोगों को पसंद भी आता है। चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे। क्या नाम क्या है आपका? संजय कुमार शर्मा। संजय जी, काफ़ी फेमस है यहाँ का पनीर हो गया, बर्फ़ी हो गया, ऐसा क्या खास होता है कि यहाँ का पनीर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी रहता है? देखिए, ये यहाँ का जो एक तो दूध स्वादिष्ट होता है, क्योंकि जो भी है भैंस से गाय वगैरह लोकल यहाँ का जंगलों का घास वगैरह पत्ता खाती हैं जी, उसका फिर दूध का टेस्ट अलग ही होता है। तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं स्पेशली जब यहाँ पर रुकते हैं आपके पास? हमारे पास ज़्यादा तो लखनपुर से पुंछ तक आते हैं लोग। मंडर सुरंगगढ़ जोरी मंजागोड़ कालाकोट वाले ये लोग लेके जाते हैं यहाँ से। चलिए, और भी यहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये बर्फ़ी हो गई, पनीर हो गया, काफ़ी फेमस है, इनसे भी बात करते हैं। लोग यहाँ पर पनीर के पकोड़े, चाय वगैरह भी पीते हैं। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार शर्मा। सर, विनोद जी, यहाँ का पनीर हो गया या फिर बर्फ़ी हो गई काफ़ी फेमस है, ऐसा क्या है यहाँ पर खास कि यहाँ का पनीर और बर्फ़ी काफ़ी फेमस है? इधर का जो पनीर है ना, इससे जो मलाई छलाई होती है दूध की, वो नहीं निकाली जाती है, तो इसलिए ये फेमस है। बर्फ़ी देखो, इसमें खोया प्योर होता है, रोज़ आता है, रोज़ बर्फ़ी बनती है, और चीनी बिल्कुल कम रखते हैं, तो खाने में थोड़ा टेस्ट भी लगता है आने जाने वाले को। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग आपसे? सर देखो, इधर लखनपुर से पुंछ तक ज़्यादातर हमारा इधर राजौरी पुंछ पर ज़्यादा सप्लाई होता है। चलिए, ये यहाँ की खासियत है खास। अभी एक और शॉप है, हम वहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पनीर यहाँ का काफ़ी फेमस है, चाहे जिस तरह से उन्होंने बताया कि लखनपुर से लेके पुंछ तक यहाँ से जो है पनीर लेके जाया जाता है। आपका क्या नाम है? बोधराज शर्मा। बोधराज जी, कितना फेमस है यहाँ का पनीर और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? नहीं, इधर का पनीर देसी पनीर लोकल होता है, गाँव से आता है जी। वो जो गाड़ियाँ वाले चलते हैं ना इधर राजौरी पुंछ वगैरह जम्मू जाने वाले, वो इधर से ले जाते हैं, क्योंकि लोकल होता है, गाँव से आता ना। मिठाई भी होती है, कम चीनी वाली होती है। आपने बता तो दिया, लेकिन मैं मानूंगा नहीं जब तक मैं खाऊंगा नहीं। क्यों ना आप मुझे थोड़ा टेस्ट कराएं, तो मैं खुद बताऊंगा कि भाई क्या टेस्ट है, क्योंकि जब तक मैं नहीं खाऊंगा कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ का टेस्टी पनीर है। इन्होंने तो कह दिया, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करके मैं भी देखूंगा कि आखिरकार यहाँ का पनीर है कैसा, क्योंकि हमने भी काफ़ी जगह पर जम्मू में भी पनीर खाते हैं और यहाँ का पनीर में क्या ऐसी खास बात है, तो वो खा के ही पता चल पाएगा। टेस्ट में काफ़ी फ़र्क तो है, और यही जो यहाँ का टेस्ट है, इसीलिए यहाँ का जो पनीर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। एक और शॉप है, तो हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका जी? सर, मेरा नाम अजय शर्मा है। अजय जी, पनीर यहाँ का काफ़ी फेमस है, पकोड़े लोग खाते हैं, बर्फ़ी यहाँ की काफ़ी फेमस है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो है ना, ये सारी आइटम प्योरड है, देसी दूध की, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जहाँ से लेके जाते हैं, राजौरी पुंछ जम्मू और भी कई सारे कस्टमर यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ जो भी आइटम है सब अच्छी मिलती है। तो ये चलिए, यही हमारे जम्मू की पहचान है, और मैं तो कहूँगा कि ये जो पहचान है इसको ना ही सिर्फ मीडिया बल्कि बाकी लोगों को भी बना के रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म है, ख़ास करके बात करें
जम्मू कश्मीर का टूरिज्म विभाग वो कश्मीर को तो बड़ा प्रमोट करता है, लेकिन पता नहीं जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लोग यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते, यहाँ पर ये जो कालीधार मोड़ है यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते हैं। अगर टूरिज़्म विभाग यहाँ भी पहुँचे और यहाँ के जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं जैसे वो पनीर ही हो जाए या फिर बर्फ़ी हो जाए, उन्हीं को आके एक बार टेस्ट ज़रूर करें। शायद जम्मू कश्मीर टूरिज़्म विभाग के लोग इस बर्फ़ी या पनीर को टेस्ट करेंगे तो उनको खुद ब खुद लगेगा कि जम्मू के अंदर भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है। चलिए, जम्मू कश्मीर को अभी सिर्फ कश्मीर ही नज़र आता है, लेकिन हर टाइम हम उनकी आंखें खोलने का प्रयत्न करते हैं और खोलते भी रहेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ छोड़ चला हूं। आप लोग भी जब कभी इस साइड आएँ तो ज़रूर यहां से पनीर लेके जाएं, ताकि आपको भी जो रियल टेस्ट है पनीर का वो भी उस टेस्ट का भी मज़ा आप ले सकें। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए।